तो गाइस अपने हम सोनल के घर से निकल चुके हैं। आज है डे 5 मेरा मुंबई में, सॉरी मुंबई में। तो अभी हम जा रहे हैं जीत के घर मलाड। मलाड ईस्ट की वेस्ट मलाड वेस्ट मारवे रोड। तो अभी हम जा रहे जीत के घर, वहाँ पे होंगे राजू फूई, जीत के दादा दादी और अमित फुआ। तो आज निकल गए ना? नहीं, उनका वो टूर मैनेजर है ना, तो वो साउथ अफ्रीका गए। हाँ, तो अभी साउथ अफ्रीका के लिए गए। एक महीने के बाद फिर से आना थे पापा से मिलने। वन मंथ बाद। हाँ। तो अभी करण सामने ऑटो बुक किया है, ओला ऑटो। तो अभी हम जा रहे हैं जीत के घर। तो अभी हमने सब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिए। तो अभी बाहर धूप बहुत है, तो हम इधर छाव में खड़े हैं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था। एक्चुअली प्लान था हम 10 बजे निकल जाएंगे, पर हमको नहीं उठे हम 10:30 बजे। तो फिर नाश्ता किया, फिर फटाफट तैयार हुए और फिर अभी हम जा रहे हैं जीत के घर। उनको भी बीच में 2-3 काम आ गए। तो फिर अभी हम कितने बज रहे? 12 एग्जैक्ट 12 बज रहे। तो अभी हम निकल रहे हैं, हमको पहुँचते कितने टाइम लग जाएंगे जीतू? 2:30 बोलते, 2:30 नहीं, 2:30। तो अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाएंगे हमको पहुँचते मलाड। तो करण आ गया है। करण अपने चश्मे भूल गया था गॉगल्स लेने के लिए। अभी करण लग रहा है, विदाउट गॉगल्स करण नहीं था। यस, जीतू के तो स्पेक्स है। चलते ऊपर। तो गाइस ये जीतू भाई का घर, अभी हम अंदर जा रहे हैं। एक गेड़ा ना कितना बैग हुआ? 3-4-5। तो गाइस धूप तो बहुत है, 2:30 बजने को है। हम अभी निकले थे 12 बजे, तो हम इधर रीच हो गए। जीतू कितनी फ्लोर्स है? टोटल 19। अपना 18। अभी 4th फ्लोर पे लिफ्ट आ रही है, ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। लेट्स गो। हेलो वेलकम जी। तो बाहर उतर रही है? राजू भाई हीरो वेलकम। हेलो, वी फाइनली रीच्ड राजू भाई हाउस। जीतू साइकिलिंग करना? ये 18th फ्लोर से यहाँ से व्यू है, बहुत ही लेजिट व्यू है, गुड है। यहाँ पे ऊपर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आती है, बस खिड़की खोल दो। तो गाइज अभी डिनर रेडी हो गया है। डिनर नाइस वन। क्या हो गया? लंच। अरे हाँ लंच, भूख इतनी लगी है कि डिनर लंच कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी लंच रेडी हो गया है और राजुल फुई ने बनाया है पनीर 2 प्याजा की सब्जी। वाओ, देखने में इज ऑसम। एंड ये आम, ये क्या बोलते हैं इसको, अनियन, लच्छा अनियन। एंड दिस इज दाल, एंड दिस इज कैनोपीस। और ये पराठा पनीर 2 प्याजा के साथ खाएंगे पराठा।
तो अभी फटाफट थाली लगा लेते हैं और खाते हैं। बीच जो कि मराठ से पास में ही है। तो अभी आज शाम अभी हम जैसे पहुंचे थे 12:30 बजे वहाँ से निकले थे 2:30 यहाँ पहुंचे थे और अभी बज रहे कितने बज रहे एक मिनट अभी 5:30 बज रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अक्षा बीच। करण और जीत राउंड मारने के निकले और मैं और राजू फिर अभी उतरे और अभी निकल रहे हैं और वो देखो पीछे बिल्ली दिख रही है, बहुत क्यूट बिल्ली है वो। एंड अभी हम वेट कर रहे करण और जीत का, जैसे वो राउंड मार के आएंगे तो हम भी बैठ जाएंगे साथ में। मेरा बिल्डिंग का कैंपस, मेरा एंट्री एग्जिट पॉइंट। तो जीत और करण आ गए, जीत एंड करण आर बैक आफ्टर सो लॉन्ग। वी वेटेड फॉर 10 मिनट्स डाउन। जीत विंडो में नेर आए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अक्षा बीच, बस एंट्री ही करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। कितने लास्ट में लॉकडाउन के टाइम पर मैं बीच गया था तो अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार बीच गया हूँ। तो मैं भी, मेरा शायद फर्स्ट टाइम है अक्षा बीच और पहले मैं शुरू पे बहुत बार गया हूँ अक्षा बीच, आई थिंक तो मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं तो बहुत बार आया, इसके घर के पास ही है, मराठ के पास ही। लॉकडाउन के बाद पहली बार। हाँ लॉकडाउन के बाद इसका फर्स्ट टाइम है और लॉकडाउन के बाद भी फर्स्ट टाइम ही है, पहले बाद में दोनों टाइम। गाइस अभी हम जस्ट रीच हुए 6:22 बज रहे हैं। तो अभी 6:22 बज रहे हैं, मैंने इसको बोला व्लॉगिंग कर तो बोला मैं ही बोल देता हूँ। अलग ब्लॉगिंग कोई भी जो आप बोलो आप कमेंट करना। फूड ब्लॉगिंग हो गई और कौन सी ब्लॉगिंग होती है? ट्रैवल ब्लॉगिंग। आप बोलो मैं करूँगा कमेंट्स में। गाइस देख सकते हो अभी लॉकडाउन के बाद बहुत चालू हो गया रश, पार्किंग भी फुल हो गई है पूरी और अभी हम एंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। एंट्री वो देखो आपको सामने दिख रही होगी एंट्री, ये बोर है ना और ये कच्चा कैरी। तो गाइस वो थे कच्चा कैरी और बोर मिल रहे थे उधर। राजू भी का फेवरेट है वो, जब छोटे थे तब बहुत खाते थे। तो गाइस ये मुंबई के पब्लिक, क्या बोलते पब्लिक 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 MI की कल सेकंड जीत हो गई। पब्लिक पब्लिक आई आज सैटरडे पब्लिक। यस सामने पूरा पानी ही पानी है। इट विल हैपन जी वेयर इट। हेलो गाइस सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो एज यू कैन सी कि मेरे पीछे बहुत पब्लिक है। बेसिकली महाराष्ट्र में अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को निकाल दिया गया है एंड सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ एट अक्षा बीच इन मुंबई।
को बीट करना है तो बीच के साइड आओ, मुंबई की बीच में मत रहो, बीच के बीच साइड में आओ। यहाँ पे सही में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम ब्रीज के साथ आ रही है और टाइड्स के साथ भी लेके आ रही है हवा, तो अभी बहुत ठंडी हवा आ रही है एंड कूल क्लाइमेट एकदम। आओ सैटरडे संडे, सैटरडे आज सैटरडे है तो भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पे रश ज़्यादा है, तो अभी जीतू को देखो, जीतू इज रेडी फॉर स्विमिंग एंड भी हमने थोड़ी मस्ती जमाई कर ली है और अभी हम आए नारियल पानी पीने। भैया छोटा नहीं है ज्यादा? अरे बाप रे, लूट मच गई है। ये है गाइस 50 रुपीज का। गाइस अभी 7:30 बज रहे हैं और देखो सन भी सेट हो गया है और हम हिले हो गए। जीत और मैं और करण और राजन भी खा रहे हैं नाश्ता। ये क्या है, मतलब प्राइम जैसी होते हैं पता है, और अभी भुट्टा भी खाएंगे एक भुट्टा। तो गाइस हमारा स्वीट कॉर्न प्रोसेस है मेकिंग में। गाइस ये रहा मेरा स्वीट कॉर्न, बहुत गर्म है, पकड़ना भी नहीं हो रहा है, तो फिर जल्दी से बाइट लेते हैं। अभी हम निकल रहे हैं अक्षय बीच से वापस मलाड, अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं जीत करण राजू भैया हेडिंग बैक टू द पवेलियन, हम जा रहे हैं वापस मलाड जीतू भाई के घर। जीतू भाई ना के कैसा लगा नया शर्ट पहनने? मम्मी ऐसे तो तब अच्छा लगा पर बाद में वो जो रहती होती है ना वो अब चुभ रहा है। सबसे पहले मैं जूते बाहर रखूंगा, घर में नहाऊंगा अच्छी तरह। गाइस हम घर पहुंच के तो सब फ्रेश हो जाएंगे और फिर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। कल कहाँ जाना है उसकी भी प्लानिंग कर लेंगे। जीतू वेयर आर योर सैंडल्स? तो गाइस हम पहुंच गए बेसमेंट में। तो अभी मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया है क्योंकि मेरे से एक रिंग थी जो मैं पहनता था वो बीच पे खो गई जब हम मस्ती कर रहे थे, तो हाथ से स्लिप हो गई और पूरे समुंदर में कहीं चले गए होंगे। तो अभी हम बेसमेंट में अभी ऊपर जाएंगे, फ्रेश होंगे फिर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे।
तो गाइस इसी के साथ आज का दिन यही समाप्त, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बोलो जी बाय बाय अब जीतू पी रहा है पानी और गिरेगा मुंह पे पानी वासी पानी चढ़ाए तो अब तू रहला दे में मुंह तक पण नद्दो है ना मैं जावा दे ना भी अबे इतलो कोरो है तो तेरे उससे हम नहीं पी सके भाई गुड नाइट